Assalamualaikum dear students, welcome to our virtual classes session 2020-2021. My dear student, you know well that we have started revision so that you can cover up your course for the preparation for examination. Today I have selected topic from the book English Verses, selection from English Verses, right? And the topic what I have selected is Under the Greenwood Tree. First poetry, my dear friends, written by William Shakespeare, right? We were completing, course, so that I did not select. Now, in the revision, I have selected. So, William Shakespeare ki ye picture hai, my dear friends. Agar kahin aapka saamna ho, kahin books mein, kisi thesis mein aapko nazar aaye, so you may identify. Theek hai? William Shakespeare born 26 अप्रैल 1564 स्टेटफोर्ड अपॉन एवन वार 26 अप्रैल 1564 और डेट ऑफ डेथ है 23 अप्रैल 1616 एट द सेम प्लेस वेयर ही वाज बोर्न ही डाइड. प्रोफेशन ऐसा रहा उनका प्ले राइट एक्टर राइटर ऑथर बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे और इंग्लिश लिटरेचर में सबसे टॉप पर इनका नाम आता है और सबसे ज़्यादा इनकी तसानीफ भी है माशाल्लाह. हालांकि इनकी बहुत सारी तसानीफ जो कि कलेक्ट नहीं की जा सकी ड्यू टू सम रीज़न. कुछ हम इनके बारे में पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स. विलियम शेक्सपियर 26 अप्रैल 1564 23 अप्रैल 1616 वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट पोइट एंड एक्टर. एक अंग्रेज ड्रामा निगार शायर और अदाकार थे. वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट. इंग्लिश लैंग्वेज में अंग्रेजी जबान के सबसे बड़े राइटर सबसे अजीम मुसन्निफ कंसीडर किए जाते हैं और दुनिया के सबसे अजीम ड्रामा निगार. ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट. अक्सर उन्हें इंग्लिस्तान का कौमी शायर भी कहा जाता है. पाकिस्तान का कौमी शायर किसे कहा जाता है याद है आपको? किसे कहा जाता है? अल्लामा इकबाल को कहा जाता है. कभी कभी मौलाना अल्ताफ हुसैन अली को भी समझा जाता है. बट एनीवेज इंग्लिस्तान के नेशनल पोएट. शेक्सपियर वॉज अ प्रोफ्लिक राइटर. प्रोफ्लिक राइटर मतलब प्रेजेंटिंग इन अ लार्ज नंबर ऑफ क्वान्टिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा है. ड्यूरिंग द एलिजबेथन एंड जेकबियन एजेस ऑफ ब्रिटिश थिएटर. ब्रिटिश थिएटर के ये दो डिविजन है एलिजबेथियन एंड जेकबियन. समटाइम्स कॉल्ड द इंग्लिश रिनाइसेंस और द अर्ली मॉडर्न पीरियड. कभी कभी इंग्लिश का निशाते सानिया कहा जाता है. ठीक है रिनाइसेंस. अच्छा शेक्सपियर्स प्लेज आर परहैप्स हिज मोस्ट इंड्यूरिंग लेगेसी बट दे आर नॉट ऑल द All he wrote. अच्छा बहुत ज़्यादा है शेक्सपियर के प्लेस ड्रामे बहुत सारे हैं माशाल्लाह, लेकिन वो सारे के सारे नहीं है जो उन्होंने लिखे, क्योंकि कुछ वेस्ट भी हो गया, कंपोज ना हो सका. शेक्सपियर्स पोम्स ऑल्सो रिमेन पॉपुलर टू दिस डे. शेक्सपियर की जो नज़में हैं जो पोम्स हैं वो आज तक मशहूर है, आज तक बहुत मशहूर है. जो पोइट्री हम पढ़ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट वो है अंडर द ग्रीनवुड ट्री एंड द पिक्चर शोज एज इफ द राइटर इज लाइंग अंडर द ग्रीनवुड ट्री एंड ही इज थिंकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट एंड राइटिंग समथिंग. ठीक है ना, बड़ा अच्छा डिपिक्ट कर रही है पिक्चर हमारी पोइट्री को. सो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं पोइट्री का. इन दिस पोम एक्सक्यूज मी अंडर द ग्रीनवुड ट्री William Shakespeare describes the charms of forest life and asks people to come and join him in forest where they can enjoy sweet songs of the birds and will be satisfied with what they get for filling. padta jayega thoda thoda sa hum isko kar lete hain. Under the greenwood tree mein William Shakespeare kya bayan kar rahe hain? jungle ki zindagi ki kashish ko discuss kar rahe hain wo. और वो कहते हैं कि लोगों से कहते हैं आओ और जंगल में उन्हें ज्वाइन कर लो, यानी कि आ जाओ जंगल में आ जाओ और उनके साथ हो जाओ. वेयर दे कैन एंजॉय स्वीट सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स.
जहाँ पर मतलब आप वो बता रहे हैं कि यहाँ पर उनको क्या क्या सहूलतें हैं, मतलब सहूलतें क्या, मतलब क्या क्या नेचर के पार्ट इंजॉय करने को मिलेंगे और देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो कहते हैं यहाँ जंगल में मेरे साथ आ जाओ, यहाँ पर परिंदों के मीठे गीत सुनने को मिलेंगे एंड विल बी सेटिस्फाइड विद व्हाट दे गेट फॉर फिलिंग देयर बैली, और पेट भरने के लिए जो भी कुछ मिल जाएगा उससे मुतमईन हो जाएंगे। यानी कि फितरत इतना सेटिस्फाई करेगी, फितरत में इतना खो जाएंगे कुदरती नज़ारों में कि जो भी मिलेगा खा के इंसान खुश हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। इफ दे आर नॉट एम्बिशियस, हाँ अगर वो एम्बिशियस नहीं है, अगर उनकी कुछ एम्बिशन ऐसी नहीं है कि उनको लग्जरियस लाइफ चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो अगर इस तरह की सोच है तो दीगर बात है, लेकिन अगर इस तरह की सोच नहीं है और वो कुदरत के करीब रहना चाहते हैं, सादा जिंदगी बसर करना चाहते हैं, ठीक है ना, और फितरत को इंजॉय करते हैं, सो यहाँ पर जंगल में आ जाए, उनके साथ हो जाए, तो बहुत जंगल की जिंदगी फितरत के बहुत करीब कर देती है और बहुत इंजॉय करते हैं। द पोइट क्लैरिफाइज दिस पॉइंट, अच्छा इस पॉइंट को शायर मजीद वाजे करते हैं, टू दैट हेयर वन शेल फाइंड नो एनिमीज, और ये पॉइंट भी क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसानों का आपस में दुश्मनी, दोस्तियाँ, दुश्मनियाँ सब होती है, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, तो दुश्मनी इतनी हो जाती है बाज़ औक़ात इंसान इंसान को ख़त्म करने पर तुल जाता है या बर्बाद करने पर तुल जाता है। तो यहाँ जंगल में कोई दुश्मन नहीं है, कोई उनसे जायदाद नहीं छीनेगा, कोई उनसे उनका हक नहीं छीनेगा, कोई उनको उनसे नफरत नहीं करेगा, बट ओनली द रफ एंड कोल्ड वेदर ऑफ विंटर, हाँ मगर सर्दी में शदीद और ख़राब मौसम, ये एक चीज़ है जो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, जो सहनी पड़ेगी, ठीक है। लेट्स सी, अच्छा अच्छा कुछ मैंने यहाँ पर जो जो दो स्टैंजास हमने बुक में हैं हमारे, वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इन द फर्स्ट सेक्शन एमियंस अ कोर्टियर सिंग्स, एमियंस ने ये गाया है, जो ये गीत है विलियम शेक्सपियर का, फ्रॉम एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट जो विलियम शेक्सपियर का पोएटिक ड्रामा है उससे ये गीत लिया गया है, ठीक है ना, और ये वहाँ पर एमियंस ने गाया। कोर्टियर है, कोर्टियर कहते हैं दरबारी लोगों को, ठीक है। अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी एंड टर्न हिज मैरी नोट unto the sweet bird's throat, come hither, come hither, come hither, here shall he see no enemy but winter and rough weather। अब ये देखें यहाँ पर बुलाया कोई आ भी गया है, इनके बुलाने पर कोई आ भी गया है। अभी अब आप देखें इस तरह का खुला माहौल होगा तो जब शदीद सर्दी होगी तो ये इसको बर्दाश्त करना मुश्किल होगा, ये मुश्किल होगा, इसीलिए बार बार शदीद सर्दी और ख़राब मौसम का जिक्र किया गया है कि दुश्मन तो नहीं है मगर शदीद सर्दी और ख़राब मौसम है, जिसको बर्दाश्त कर लिया तो मज़े की है ज़िंदगी। लेट्स सी नेक्स्ट, दिस बिट ऑफ पेस्ट्रोन सॉन्ग, ये सेक्रेट सॉन्ग का कंसिडर किया जाता है, सेलिब्रेट्स और मोक्स द सपोज्ड हैप्पीनेस ऑफ लिविंग इन नेचर अंडर द ग्रीन वुड ट्री, यहाँ पर पोइट ने एक ख्याल किया है कि वो खुशियाँ जो घने सब्ज दरख्तों के नीचे मिलती हैं, ये ख्याली बात है, ठीक है ना। लिसनिंग टू चियरी सॉन्ग ऑफ बर्ड, और परिंदों के खुशी से गुनगुनाए हुए गीतों को सुनना। इन दिस वर्ड्स एमियंस कॉज द पीपल हु शेयर हिज सेंटिमेंट्स टू ज्वाइन हिम, एमियंस इस में बुलाते हैं उन लोगों को जो उनके जज्बात समझते हैं और जो उनको शेयर कर सकते हैं, कम ही दर, यार का एक इंग्लिश का वर्ड है यहाँ, इसका मतलब है कम ही है। द की वर्ड इन दिस पार्ट ऑफ द सॉन्ग इज लाइफ, इस सॉन्ग के इस पार्ट में जो अभी हमने पढ़ा इसका पहला स्टेंज है उसमें की वर्ड है लाइफ, लाइफ के दो मीनिंग है, विच इन टिपिकल शेक्सपीरियन पनिंग कहते हैं कि जिसमें थोड़ा सा फन किया गया और जोक किया हुआ, पनिंग फैशन कैन बी इंटरप्रेटेड टू वेज, तो ये जो वर्ड है लाए जो पोइट में इस्तेमाल हुआ है, अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लाए विद मी, ठीक है, तो इसमें जो है ना किस मीनिंग में इस्तेमाल हुआ ये बताते हैं, ये दो तरीकों से इस्तेमाल हुआ है, ठीक है।
पहला तो ये है, इट मीन्स आइदर लाई एज लाई डाउन विद मी। पहला तो मीना मीनिंग है कि लाए, जैसे कि आप लेट जाते हैं जमीन पर या बिस्तर पे, ठीक है ना। अब यहाँ सब दरख्तों के नीचे लेट जाओ या रेस्ट करो। और इट मीन्स लाए एज इन ज्वाइन मी इन दिस फॉल्सहुड अबाउट हाउ चेयरी इट इज अंडर द ग्रीन वुड ट्री। और दूसरे मीनिंग लाए के हैं कि ज्वाइन कर लो, ठीक है ना, जहाँ मैं हूँ सब दरख्तों के नीचे। ये एक कहना चाहिए कि एक इमेजिनरी माहौल है, बनाया हुआ है, बस खुशगवार माहौल है, इसमें मुझे ज्वाइन करना, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स। अब दूसरा स्टैंजा है, इन द सेकंड पार्ट पीपल टू डू ज्वाइन हिम इन सिंगिंग। दूसरे पार्ट में लोग उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं और गीत गाते हैं। ये भी देखिए कितने जबरदस्त दरख्त दिखाए, इन्हीं दरख्तों के नीचे बैठे और ये गीत गुनगुना रहे हैं। हुजोत एम्बिशन शन एंड लव्स टू लिव इन द सन। वो जो एम्बिशन नहीं रखता और वो सूरज तले जीना चाहता है, जिंदगी गुजारना चाहता है, उसको पसंद है। सीकिंग द फूड ही ईट्स एंड प्लीज्ड विद व्हाट ही गेट्स। और खाने के लिए गजा की तलाश करना, यहाँ पे जंगलों में जाहिर सी बात है कोई ऑर्डर तो नहीं आएगा कि आपने ऑर्डर किया फूड आ गया या घर में बना लिया, तो ये तो जंगल है जहाँ जो कुछ जंगली फल दरख्त शिकार जो मिल जाए उसे खाकर खुश हो जाना। कम इधर, यहाँ आओ। हेयर शैल ही सी नो एनिमी, यहाँ कोई दुश्मन नहीं है बट विंटर एंड रफ वेदर, लेकिन शदीद सर्दी और ख़राब मौसम। तो ये ऐसे है कि जिन्हें बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो ये एक मुश्किल है मौसम को बर्दाश्त करना। आप देख लेते हैं इसको। इन दिस सेक्शन द ग्रुप सेलिब्रेट्स द जॉयज ऑफ द पैस्टोरल लाइफ। इस सेक्शन में अब लोगों ने उनको ज्वाइन कर लिया, ग्रुप बन गया है, तो अब वो एक सेक्रेड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इन द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर, पीपल डू नॉट परसू एम्बिशन बट इंस्टेड अप्रिशिएट लाइफ इन नेचर। वो लोग जो एम्बिशन को अप्रिशिएट नहीं करते बल्कि कुदरत में, फितरत में इंजॉय करते हैं। एंड आर सेटिस्फाइड विद व्हाट फूड दे कैन गेट, और जो भी गजा उनको मिल जाए, जो भी खाना उनको मिल जाए, वो उससे मुतमइन हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। अनलाइक इन द कोर्ट देयर आर नो एनिमीज हियर, जैसे कि दरबारों में बड़े दुश्मन होते हैं, तो उस तरह यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। ये कुछ दरबारी ही लोग थे जिन्होंने ज्वाइन किया था, जो ये गा रहे थे एमियन, ठीक है, तो उनको दरबारी लोगों से दुश्मनी का सामना करना पड़ा था, ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड है। तो यहाँ पर वो ये बात भी कह रहे हैं कि जैसे दरबार में बहुत दुश्मन होते हैं, यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं, इत्मीनान बख्श पुरसकून फिजा है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ कैन वन एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स ऑफ प्लेजर अकॉर्डिंग टू सॉन्ग अंडर द ग्रीन वुड ट्री। अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग अंडर द ग्रीन वुड ट्री द हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द इनर पीस ऑफ द सोल। अब सवाल ये किया गया है कि अंडर द ग्रीन वुड ट्री में क्या इजहार किया गया है, खुशियाँ कैसे हासिल होती हैं, ठीक है। तो बताया कि खुशियाँ इंसान के अंदरूनी सुकून और रूहानी इत्मीनान से हासिल होती है, ठीक है। एवरीवन फाइंड्स हिमसेल्फ हैप्पी व्हेन एवर ही शी ऑब्जर्व्स हिज और हर सोल इन सिंगिंग एंड डांसिंग। हर शख्स खुश होता है जब वो देखता है कि उसकी रूह नाच रही है, गीत गा रही है, खुश हो रही है, यानी कि रूहानी तौर पर खुश हो इंसान, तो समझे कि इंसान खुश है। So one can truly expresses his pleasure when he lives within nature and tries to breathe every single moment of life with the pleasure. तो जब रूह किस तरह से नाचती है या खुश होती है या गीत गाती है, रूह चूंकि फितरी चीज है, materialistic नहीं है, material नहीं है, तो रूह हमेशा कुदरत से, फितरत से करीब होके अटैच होकर खुश होती है, ठीक है। तो कोई भी सच्ची खुशी का इजहार या सच्ची खुशी जब ही हासिल करता है जब वो नेचर के करीब होता है और हर लम्हा नेचर को एब्जॉर्ब करता है, सांस लेता है,
कुदरती माहौल में, तो वो उसे जिंदगी का कि जिंदगी का मजा आ जाता है, खुशगवार हो जाती है उसकी जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, व्हाई डज लॉर्ड एमियंस थिंक दैट द फॉरेस्ट लाइफ इज बेटर एंड पीसफुल ऑल्दो इट कंटेन्स विंटर एंड रफ वेदर। एमियंस का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दूं, ये दरबारी है, ये मतलब ये दो भाई थे, आपस में इनमें जायदाद के पीछे झगड़ा हुआ तो इनको भगा दिया इनके भाई ने, मुल्क बदर कर दिया। अब ये भटकते फिर रहे, ठीक है। अब ये जंगलों में आए, इन्होंने जंगलों की कुदरती जिंदगी देखी, इनको सुकून लगा कि जो भी मिल जाए खा लो, लेकिन कोई दुश्मन नहीं आ गए, कोई इत्मीनान बख्श जिंदगी है। लॉर्ड एमियंस थिंक्स दैट द फॉरेस्ट लाइफ इज बेटर एंड पीसफुल बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम द कॉन्स्परेसीज एंड डिसऑनेस्ट ऑफ ह्यूमन एनिमीज। देखिए वही बात है कि वो इस बात पे, लॉर्ड एमियंस इस बात पे जंगल की जिंदगी में पुरसकून है और उनको बेहतर लगी क्योंकि यहाँ पर कोई साजिशें नहीं है, कॉन्स्परेसीज कोई साजिशें नहीं है और कोई इंसानों की कोई बेईमानियाँ नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है यहाँ पे। दैट प्रोड्यूस सोरो एंड डीप ग्रीफ, जिसकी वजह से गहरा सदमा और गहरा गम देखने को मिलता है। एंड दीज ऑल थिंग्स कॉज कम्फर्ट ऑफ द ह्यूमन, और ये जो जंगल का माहौल है इससे इंसान को आराम मिलता है, सुकून मिलता है। ऑन द अदर हैंड द फॉरेस्ट लाइफ ही रिमेन्स कंटेंटेड विद द नेचर, जबकि दूसरी तरफ जंगल की जिंदगी में वो फितरत के साथ मुतमइन रहते हैं, जो भी कुदरत है, जो भी फितरत की मर्जी है वो इसके साथ मुतमइन है, जो मिला वो खा लिया। इन फॉरेस्ट लाइफ ही रिमेन्स कंटेंटेड विद द नेचर, ही सिंग्स फ्रीली ऑल द विंटर एंड बैड वेदर प्रोड्यूस ट्रबल्स फॉर हिम बट सच थिंग्स आर इंड्यूरेबल, और वो आज़ादी से गीत गाते हैं जबकि शदीद सर्दी और ख़राब मौसम मुश्किलात खड़ी करता है, मगर उनके अकॉर्डिंग ये काबिल बर्दाश्त है, इंसानों की दुश्मनी उनकी साजिशें उनसे बर्दाश्त नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द हार्डशिप्स दैट कैन बी फेस्ड इन द फॉरेस्ट लाइफ अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर। क्या मुश्किलात हैं जो जंगल की जिंदगी में जिनका सामना हो सकता है विलियम शेक्सपियर के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड एमियंस, व्हाट चैलेंजेस शुड वन बी प्रिपेयर्ड टू फेस इन द फॉरेस्ट लाइफ, और एमियंस के मुताबिक जंगल की जिंदगी में क्या चैलेंजेस है जो इनका सामना करना पड़ सकता है। दोनों एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी सवाल हो आपका जवाब यही होगा। विलियम शेक्सपियर प्रेजेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर इन द पोम, असल में जो हमारी पोम है अंडर द ग्रीन वुड ट्री, इसमें विलियम शेक्सपियर ने नेचर की अहमियत को बयान किया है। दैट इज ड्रिवन फ्रॉम द प्ले एज यू लाइक इट, जो कि इनका प्ले है विलियम शेक्सपियर का एज यू लाइक इट, ये वहां से उठाई गई है, वहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है। इन द पोम विलियम शेक्सपियर इनवाइट्स ऑल द पीपल टू विलेज लाइफ टू लिव अ हैप्पी एंड रिलैक्स्ड लाइफ। पोम में राइटर ने, पोएट ने लोगों को एक देहाती जिंदगी की तरफ, नेचुरल जिंदगी की तरफ दावत दी है कि खुशगवार और आराम से वहां जिंदगी गुजारी जाए। दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ वरीज एंड टेंशन, क्योंकि कुछ फितरत के करीब जिंदगी, गांव देहातों में, खेतों खलियानों में, दरख्तों में जिंदगी टेंशन से फ्री और तमाम फिक्रों से आजाद है। इन द फॉरेस्ट द मैन विल हैव नो ह्यूमन एनिमी, और जंगल में इंसान को कोई इंसान दुश्मन नहीं मिलेगा। टू फेस जेलसी और इनवे बट देयर इज ओनली विंटर एंड रफ वेदर, और कोई भी इंसान कोई जेलसी कोई हसद करने के लिए वहां मौजूद नहीं होगा, मगर खराब मौसम और शदीद सर्दी, जैसे कि स्टॉर्मी सीजन होता है, तूफानी, तो जरा मुश्किल हो सकती है जंगल में। दैट ही मे फेस हार्डशिप्स इन द फॉरेस्ट बिकॉज इन दीज सॉर्ट ऑफ सीजन, तो जो जंगल में मुश्किलात का सामना होने वाला है और एमियंस के अकॉर्डिंग जो चैलेंजेस का सामना करना है वो है शदीद मौसम, या स्टॉर्मी सीजन हो या खराब मौसम, शदीद सर्दी, लाइक दैट।
ठीक है, वन नीड्स टू फाइंड अ शेल्टर टू बी सेफ, और कोई ना कोई शेल्टर जंगल में ज़रूर चाहिए अपने खुद को, खुद की हिफाजत के लिए। दिस इज़ द ओनली प्रॉब्लम इन फॉरेस्ट, और जंगल में सिर्फ यही एक मसला है कि शेल्टर हो जिसमें शदीद मौसम से खुद को महफूज रखा जाए। कंटिन्यू डियर स्टूडेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ पीपल इज इनवाइटेड इन द पोम अंडर द ग्रीन वुड ट्री, किस किस्म के लोगों को पोम अंडर द ग्रीन वुड ट्री में दावत दी जा रही है। वेयर, और दूसरा सवाल यह है, वेयर इज द सिंगर इनवाइटिंग द पीपल एंड व्हाई इन द पोम अंडर द ग्रीन वुड ट्री। अंडर द ग्रीन वुड ट्री में सिंगर लोगों को कहाँ बुला रहा है और क्यों बुला रहा है। ठीक है, दोनों सवालों का ये आप आंसर देखें, एक ही बनता है। विलियम शेक्सपियर इन्वाइट्स इन दिस पोम, इस पोम में विलियम शेक्सपियर बुलाते हैं दोज पीपल हु आर विलिंग टू गेट इनर सेटिस्फेक्शन टू लिव हैप्पी, उन लोगों को बुलाते हैं जो लोग एक अंदरूनी इत्मीनान हासिल करना चाहते हैं, एक खुश जिंदगी गुजारना चाहते हैं, टू लिव अ हैप्पी, टू बी फ्री फ्रॉम एनिमीज एंड फ्रॉम वरीज, एक खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहते हैं और एक ऐसी जिंदगी जिसमें दुश्मनियां ना हो और परेशानियां ना हो, फिक्रें ना हो, फिक्रों से पाक, दुश्मनियों से पाक जिंदगी गुजारे, वो विलियम शेक्सपियर उन्हीं लोगों को दावत देते। दस इफ वन कम्स इन द फॉरेस्ट ही विल बी क्लोज टू द नेचर, बहरहाल लिहाजा जब कोई जंगल में आता है तो वो फितरत के, नेचर के, कुदरत के करीब हो जाता है, एंड लिव अ हेल्दी एंड केयर फ्री लाइफ, और एक सेहतमंद और बेफिक्री की जिंदगी गुजारता है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ अंडर द ग्रीन वुड ट्री, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Dear student, in this poem, William Shakespeare compares city and forest life. इस poem में William Shakespeare शहरी जिंदगी और जंगल की जिंदगी का मवाजना करते हैं। It's a song. ये एक song है sung by Amiens, जिसे Amiens ने गाया है। He advises his reader through Amiens to join a simple and carefree life which is free from human enemies. ये एक सॉन्ग है जिसे एमियंस ने गाया है और वो अपने कारीन को एमियंस के थ्रू ये मैसेज देते हैं कि आओ उन्हें ज्वाइन करो और एक सादा और बेफिक्री की जिंदगी गुजारो और इंसानी दुश्मनों से महफूज रहो। इट कॉल्स एवरीवन टू कम देयर, शायर हर एक को वहां बुलाता है, वे वन कैन एंजॉय स्वीट सॉन्ग ऑफ द बर्ड, वहां कोई भी परिंदों के मीठे गीत का इंजॉय कर सकता है, उनका मजा ले सकता है। सीक वंस फूड एंड विल बी सेटिस्फाइड विद व्हाट ही गेट्स फॉर फिलिंग हिज बेली, और जब गिजा की तलाश हो तो जो भी मिल जाए वो खा के मुतमयन हो जाओ, खुश हो जाओ, जंगली फल या शिकार या जो भी अवेलेबल। पीपल हु आर नॉट एम्बिशियस एंड हु लव टू लिव अंडर द सन आर इन्वाइटेड टू कम एंड लिव इन द फॉरेस्ट, वो लोग जो एम्बिशियस नहीं है और सूरज तले और जंगल में और फितरत के साथ रहना चाहते हैं, दावत उन्हीं लोगों को दी गई है। डियर स्टूडेंट, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द सॉन्ग अंडर द ग्रीन वुड ट्री रेलेवेंट टू द ड्यूक सिचुएशन, ड्यूक की सिचुएशन जो हमने एमियन की बात की, ड्यूक की सिचुएशन से किस तरह रेलेवेंट है, किस तरह इसका मतलब कनेक्शन बनता है। द सॉन्ग अंडर द ग्रीन वुड ट्री इज संग बाय एमियंस, एमियंस ने गाया है, वन ऑफ द ग्रुप ऑफ नोबल मैन लिविंग अ लाइफ ऑफ एग्जाइल इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, आर्डन के जंगलात में एक मुल्क बदरी की जिंदगी गुजारने वाले मुअज्जिज लोगों के ग्रुप की बात हो रही है ये, विद अ ड्यूक हु हैज बीन रॉब्ड ऑफ हिज डोमिनियंस बाय हिज विकेड ब्रदर, और एक ड्यूक नवाब समझ लें आप, इस तरह के मतलब आला प्रोफाइल रखने वाले शख्स की बात हो रही है, उसके बदमाश भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसको लूट लिया, द एग्जाइल ड्यूक, और उसे मुल्क बदर कर दिया। द एग्जाइल ड्यूक एंड हिज फॉलोवर हैव एक्सपीरियंस मिसफॉर्चून्स ब्राउट अबाउट बाय ह्यूमन एनिमीज, तो वो जो मुल्क बदर वो ड्यूक है और उसके साथी,
इंसानों की दुश्मनों की दुश्मनी की वजह से इस बदकिस्मती का तजर्बा कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। दे नो लॉन्गर हैव ह्यूमन एनिमीज। अब इन देयर सिंपल लाइफ इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, आर्डन के जंगलात में अब उनके पास उनका कोई इंसान दुश्मन नहीं है। दे हैव टू कंटेंट ओनली विद विंटर एंड रफ वेदर, और उन्हें सिर्फ गुजारा करना है सर्दी और ख़राब मौसम के साथ, और बस इंसानी दुश्मनों से उनको निजात मिल गई है। राइट डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, होप यू वुड डू बेटर विद योर एग्जामिनेशन। अल्लाह हाफिज़।